मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काई मेट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 3 जनवरी हो चुकी है, यानी कि नए साल का तीसरा दिन है और लगातार 1 जनवरी से ही हम देख रहे हैं, 1 जनवरी क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं 29 दिसंबर से ही जो कोहरा है वो उत्तर भारत में जमा हुआ है। हालांकि अब धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन जो कोल्ड डे कंडीशन कई इलाकों में अभी भी बरकरार है। जो सर्दी का इंतजार हमें दिसंबर के महीने में था वो दिसंबर के आखिर में नजर आया और जनवरी में लगातार जारी है। हालांकि हमें मालूम है कि जनवरी में आमतौर पर शुरुआती दौर में सर्दी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और 10-12 जनवरी के बाद, यानी कि 15 तारीख के बाद आप कह सकते हो, मकर संक्रांति के बाद धीरे धीरे जो है वो सर्दी कम होना शुरू हो जाती है। तो अब क्या हो रहा है, पिछले 1-2 सालों से हम देख रहे हैं कि दिसंबर तक तो सर्दी ज्यादा पड़ती नहीं है और दिसंबर के आखिर से लेकर के जनवरी में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, यानी कि थोड़ा सा मौसम ऐसा लग रहा है शिफ्ट हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज का असर है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल ऐसा होगा, अगर ये 6-7-8 साल तक इस तरह का रहता है मौसम तो उसको क्लाइमेट चेंज का असर निश्चित रूप से कहा जा सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो आपको दिखाई दे ही रहा होगा। तो और सबसे बड़ी बात है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो पहाड़ों पर बहुत तेज स्नोफॉल, भारी स्नोफॉल देते थे, अभी तक बड़ा कोई भारी स्नोफॉल नहीं हुआ है, यानी कि पूरा जो पहाड़ है वो बर्फ की चादर से नहीं ढके हैं। इस बार खास करके क्रिसमस के मौके पर हमेशा ऐसा होता था कि स्नोफॉल हो चुका होता था और लोग काफी ज्यादा आनंद उठाते थे बर्फबारी का, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। 6 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये जो दिखाई दे रहा है ये जब पहुंचेगा तो हो सकता है कि पहाड़ों पर अच्छा स्नोफॉल देखने को मिल जाए, तब तक के लिए इंतजार करना पड़ेगा। और दिसंबर का महीना भी 2017 के बाद सबसे ज्यादा गर्म निकला, यानी कि पिछले 6 सालों में सबसे ज्यादा गर्म दिसंबर इस बार देखने को मिला। इससे पहले 2017 में तापमान काफी ज्यादा नापे गए थे। तो ये जो असर है वो धीरे धीरे अब दिखाई देने लगा है, हमारे क्लाइमेट पर भी दिखाई दे रहा है, मौसमों पर भी दिखाई दे रहा है, सीजन्स पर दिखाई दे रहा है और साथ साथ जो मानसून है उस पर भी दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि 2022 और 2023 के मानसून में जो गंगा के मैदानी क्षेत्र थे, यानी कि आप उत्तर प्रदेश और बिहार के जो ज्यादातर इलाके थे वो पूरी तरह सूखे रहे अगस्त तक, यानी कि जून जुलाई और अगस्त का भी आधा महीना निकल गया तब तक बारिश नहीं हुई थी, उसके बाद जाकर बारिश हुई, यानी फसलों को जब जरूरत थी तब नहीं हुई और जब जरूरत नहीं थी तब बारिश हुई। तो इस तरह का जो मानसून में भी काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अल नीनो जो था वो धीरे धीरे जब हमारा 2024 का मानसून आएगा तो अल नीनो खत्म होने लग जाएगा, जो अभी जो मॉडल दिखा रहे हैं, और न्यूट्रल कंडीशन आ जाएगी और ला नीना धीरे धीरे इवॉल्व होने लग जाएगा, जिससे हो सकता है कि मानसून नॉर्मल हो जाए या हो सकता है नॉर्मल से अच्छा भी हो जाए। उसके बारे में हम लोग मॉडल पर नजर रखे हुए हैं, क्या क्या अपडेट आ रहे हैं उस पर भी नजर रखे हुए हैं, तो लगातार अपडेट देते रहेंगे। तो अभी अगर देखा जाए तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है 6 तारीख को पहुंचेगा और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन फिजल आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन पंजाब में अभी भी घना कोहरा अगले 2-3 दिनों तक जारी रहेगा, जिससे कि दिन के तापमान सामान्य से काफी नीचे रहेंगे। कोल्ड डे टू सीवियर कोल्ड डे कंडीशन लगातार जारी रहेगी। हरियाणा के कुछ इलाकों में भी इस तरह की स्थिति रह सकती है। पाकिस्तान के कई इलाके हैं जो उस इलाके में भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के इन सब इलाकों में भी जो घना कोहरा है वो छा सकता है, यहाँ से लेकर के ये जो इलाके हैं और राजस्थान का ये जो इलाका है यहाँ से और ये पूरा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, उत्तरी मध्य प्रदेश है, पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान है, इन इलाकों में अभी घना कोहरा छा सकता है अगले 2 दिनों के दौरान, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा। दिल्ली NCR में भी वही हाल है, लेकिन अब क्या है कि सूरज थोड़ा निकलने लगा है और अब धीरे धीरे जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो बढ़ जाएंगे और कोल्ड डे कंडीशन हट जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल न्यूनतम तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं की जाएगी, क्योंकि जब ये कोहरा हटेगा तब तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाएगा, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाता है तो मिनिमम टेम्परेचर एक बार फिर बढ़ जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 7 या 8 तारीख के बाद जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाएगा, तब जब उत्तरी हवाएं चलेंगी, यानी कि ये सारी चीजें निकल जाएंगी और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मानिए जो 6 पर यहाँ पहुंच गया और 8 तारीख को यहाँ पहुंच गया, जब ये यहाँ पहुंच जाएगा तब जो उत्तरी हवाएं चलेंगी तो उसके प्रभाव से ये तापमान गिरना शुरू हो जाएंगे मिनिमम टेम्परेचर। लेकिन अभी क्या है, ये देखिए ये जो हवाएं चल रही है, ये जो हवाएं चल रही है तो पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के कुछ इलाकों का ये तापमान गिरा सकती है। तो अभी मतलब मिनिमम टेम्परेचर इन इलाकों में गिरेगा, बाकी इलाकों में मिनिमम टेम्परेचर यानी न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बने रहने की संभावना नजर आ रही है। तो ये सारे इलाके पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के ज्यादातर इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरा उत्तर प्रदेश, ये अभी शुष्क रहेगा, कोई मौसमी गतिविधि नहीं होने वाली है। उसी तरह से बिहार
और पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौसमी गतिविधि नहीं होगी, कोई बारिश नहीं होगी, फॉग वगैरह छाएगा, कोहरा छाएगा, धुंध कुहासा छा सकता है, यानी कि यातायात में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन बाकी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जैसे मैंने पहले भी कई वीडियो में लगातार बता रहा हूँ आपको कि मध्य प्रदेश से लेकर के छत्तीसगढ़ और दक्षिणी बिहार, झारखंड और जो ये उत्तर प्रदेश के एकदम उत्तरी मध्य प्रदेश से जो लगे हुए इलाके हैं, यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में बारिश ज्यादा होने वाली है। अगर जैसे मैंने बताया था आपको कि ये आज ये 3 तारीख से ही अब हम सोचेंगे देख लेंगे कि राजगढ़, विदिशा ये जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ ना कुछ मौसमी गतिविधियां देखने को मिल जाएंगी। तो ये अशोकनगर हो गया, गुना को भी कवर कर सकते हैं, राजगढ़ है, विदिशा है, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, सीवा, सिद्धि, सिंगरौली, सहदोल, कटनी, दमोह, ये इलाके में बारिश हो सकती है। उसके बाद ये बारिश की गतिविधियां ये 5-7 तारीख तक रहेंगी। आप कह सकते हैं कि मतलब एक हफ्ते तक आप मान के चलिए कि कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी इस इलाके में होती रहेगी और फिर ये यहाँ तक भी कवर हो सकता है, यानी कि कुछ जो दक्षिण पूर्वी राजस्थान है यहाँ पर भी 5-6 तारीख को कुछ ना कुछ मौसमी गतिविधि हो सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी ये जो है आपका कोरिया है, सरगुजा है, बलरामपुर है, जसपुर, सरगुजा, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली और राजगढ़ वगैरह, जांजगीर वगैरह, इन इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है जो 3-4 दिन तक जारी रह सकती है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बहुत निचले इलाकों में, इन इलाकों में कुछ वेदर एक्टिविटी होगी, जैसे कि महोबा हो गया, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ मौसमी गतिविधि हो सकती है, बाकी इलाके सूखे रहने वाले हैं। और उसी तरह से अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी औरंगाबाद है और ये गया है और नवादा वगैरह, जमुई वगैरह, इन इलाकों में बहुत हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, हुई तो बहुत ज़्यादा हल्की बारिश होगी। और उसी तरह से ये छत्तीसगढ़ की बात करें तो आप देखिए गढ़वा, लोहा, लातेहार, लोहारदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, इन इलाकों में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है और हो सकता है कि ये जो पलामू है, चतरा, यहाँ तक भी कुछ हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी हो जाए। तो इस तरह का वेदर हमें दिखाई देने लगा है। और अगर हम बात करें जो ये वेलमैग लो प्रेशर एरिया जो बना हुआ है, ये अंदर की तरफ आएगा, यानी रिकर्व करेगा, और ये इसका असर अभी तो अगले 2 दिनों तक तो लक्षद्वीप पर काफी भारी रूप बारिश के रूप में दिखाई देगा। उसके बाद ये गोवा और कोस्टल कर्नाटका, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ाएगा। 6 तारीख को हमें लग रहा है कि जो मध्य महाराष्ट्र है यहां तक बारिश आ जाएगी और यह सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, वेरंगुला, गोवा, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, परवनी, उस्मानाबाद, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। और 7 तारीख होते होते जो महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाके कवर हो जाएंगे, आप कह सकते हो कि हिंगोली, लातूर, जलना, यहां से लेकर के अकोला, अमरावती, वाशिम, भंडारा, यहाँ तक भी बारिश आ जाएगी। और नासिक, मालेगांव, जलगांव, पुणे, औरंगाबाद और ये आपका मुंबई वगैरह है, थाने, धानू, यहाँ पर भी 7-8 तारीख को बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। जब ये अंदर की तरफ ये वेदर सिस्टम आएगा तो इसका असर ये आपका 7 और 8 तारीख को राजस्थान के भी कई इलाके, खास करके हम कह सकते हैं कि जयपुर से लेकर के अजमेर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बाना, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाके हैं यहाँ तक बारिश की संभावना नजर आ रही है 7-8 तारीख को। अभी यह अंदाजा है, इसमें कुछ चेंजेज अगर आते हैं मैं आपको अपडेट करूंगा। और उसी समय ये मध्य प्रदेश में फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और हो सकता है उस समय भोपाल, इंदौर, खांडवा, खरगोन, ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी मौसमी गतिविधि यानी बारिश की गतिविधियां, ओलावृष्टि या मेघ गर्जना दिखाई दे जाए। तो इस तरह का एक सिनारियो नजर आ रहा है और हो सकता है कि इंट्रैक्शन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का और इस ट्रफ का होगा, यहाँ पर जो ट्रफ बनेगी इसका ये इंट्रैक्शन हो सकता है, यहाँ से जो आएगा तो ये जो पूरा इलाका है ये सब बारिश देख सकता है। अभी काफी आगे की बात है लेकिन इसके ऊपर हम नजर रखे रहेंगे और आपको लगातार इसका अपडेट देते रहेंगे जिससे कि जो जो चेंजेज आएंगे उसको हम कवर करते रहेंगे। लेकिन अभी आप अंदाजा लगा के चलिए कि आगे इस तरह का मौसम होने की संभावना नजर आ रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।